सर, आप हमेशा ये कहते हैं कि आपको अपने काम से प्यार मोहब्बत करनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको कब अपने काम से प्यार हुआ? आई थिंक जब मैंने इस प्रोफेशन को लिया, जब मैं स्टूडेंट था ना, जब मैंने मास्टर कर रहा था, मैं बहुत बोरिंग इंसान था। बात करता था एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, बिकॉज मुझे कुछ करना था। लेकिन जब मैं बाहर गया, इस कंट्री के बाहर गया पढ़ने के लिए, बालों की दुनिया के अंदर, वहाँ मैंने महसूस किया कि आदमी जब तक पागल नहीं होता है वो किसी प्रोफेशन के अंदर कुछ अच्छा नहीं कर सकता। हाँ, नॉर्मल करेगा जैसे आम आदमी होता है, लेकिन हमें आम आदमी नहीं बनना है, हमें बनना है बहुत बड़ा। क्योंकि भगवान ने एक लाइफ दी है, उस लाइफ के अंदर हमें ऐसा करना है कि लोग याद रखें जब हम लोग चले जाएं, तभी आदमी अमर बनता है। अमर का मतलब ये होता है कि अच्छे काम करो तभी आप अमर बन पाएंगे। सर, जिंदगी में कोई संघर्ष रहा आपकी? संघर्ष कुछ भी नहीं, लोग बोलते रहे नाई का काम है, नाई का काम है, नाई का काम है, बस संघर्ष सबसे बड़ा ये था। मतलब ये जो था ना दिमाग के अंदर कि ये तो बाल काटना है, और मैं बोलता हूँ कि हम तो बालों के डॉक्टर हैं ना, मतलब वो रेस्पेक्ट दिलाना कि बालों के डॉक्टर हैं, उसको लोगों को इम्पोज करना आइडियो को, आई थिंक संघर्ष ही था। आई मीन आई नो मीडिया भी बोलता था बाल ही काटते ना, लोग बाल ही काटते ना, लेकिन जब पता चला कि जावेद भी आज ब्रांड बन गया है, उनकी बातों की वजह से संघर्ष ही था। ये संघर्ष था। तो नाई से हेयर ड्रेसर, सी नाई से हेयर ड्रेसर से एक्सपर्ट, एक्सपर्ट से बिजनेसमैन, एंड बिजनेसमैन से ब्रांड। आज जावेद हबीब इज वन ऑफ द ब्रांड, और जिसकी पहचान क्या उसकी कैची है और कुछ नहीं है। जब आपको पता लग रहा था कि आप लंदन जाने वाले हो, तब सर आपको कैसा लगा? दम था, शर्म आती थी, स्किन बहुत ज़्यादा डार्क थी, पिंपल थे, बहुत पतला सा था, फैशन का कोई मतलब नहीं था, लोगों से डर लगता था बात कैसे करें। सो जो कॉम्प्लेक्स था ना, वो कॉम्प्लेक्स चेंज होता है नेक्स्ट 6 महीने के अंदर, लेकिन उसके बाद में जो निखार निकल के आता है वो शायद जावेद हबीब की फाउंडेशन बनी है। जब आप लंदन में थे, भारत की याद आती थी सर आपको? वापस आया ना, वापस आया हूँ, ये है याद। जावेद हबीब को एक पहचान कब मिली सर? पहचान मुझे मिली बहुत टाइम बाद मिली, बिकॉज का रीजन क्या था कि उस टाइम ये प्रोफेशन तो ब्यूटी पार्लर था ना, मतलब दिन में अगर 20 क्लाइंट आते हैं, उसमें से 20 में से 18 फेशियल वाले आते थे और 2 सिर्फ बाल कटाने वाले आते थे। अब वो 2 मेरे फादर बाल काटते हैं, मेरे भाई बाल काटते हैं, मेरी कजन बाल काटती है, वो 2 क्लाइंट कहाँ डिवाइड होगा? बिल्कुल। तो उसमें शायद 5-6 साल लगे स्लो करके, मैंने सोचा कि मुझे बाल नहीं काटने, मुझे बालों का टीचर बनना है। तो मैंने टीचिंग करना शुरू कर दिया, मैंने सेमिनार करना शुरू कर दिया, मैंने मास्टर क्लास करने शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया कि मैं नाई हूँ, लेकिन मैं एजुकेटेड नाई हूँ। अपने प्रोफेशन बना दिया मैंने, सी मैंने ना काम किया। Okay. मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे किसमें करना क्या है, मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे ब्रांड बनाना है, मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे पहचान बनाना है, ये कि अपने आप को बिजी रखा कि कुछ तो करना है ना। अब शॉप में बैठ के सिर्फ क्लाइंट का वेट करता रहूं, ये तो लाइफ नहीं है। लाइफ ये है कि एक दिन है 8 घंटे, उसमें कुछ तो करो। तो मैंने टीचिंग करना शुरू किया, वो टीचिंग ने मेरी पहचान बनाई। आज मैं अगर बोल सकता हूँ बालों के बारे में, अगर मैं बिजनेस के बारे में बोल सकता हूँ, बिकॉज मैंने टीचिंग की है। मैं पूरे भारत में इतना घूमा हूँ, एक एक टाउन, एक एक कस्बा, एक एक मोहल्ला मैं जानता हूँ। क्या कह सकते हैं कि जावेद हबीब को बनाने वाले उनके पिताजी थे, पिताजी का कितना सपोर्ट रहा सर? मेरे फादर ने एक डायरेक्शन दी, लेकिन उस डायरेक्शन को ऐसे खोलना, आई थिंक उसमें शायद भारत का जो मेरा घूमना था ना, उसने बहुत सपोर्ट किया। बिकॉज हर कंट्री, हर सिटी, हर मोहल्ले की जो पहचान है ना, वो डिफरेंट होती है। जो बॉम्बे में होता है वो सहारनपुर में नहीं हो सकता, जो सहारनपुर में होता है वो इलाहाबाद में नहीं हो सकता। तो हर सिटी की अपनी नीड है, और वो नीड जब ही पहचान पाएंगे जब आप उनके साथ बैठ के बातें करते हैं। जावेद हबीब अलग क्या करते हैं सर? मैं कुछ नहीं करता, मैं दिल से बोलता हूँ, मैं सच्चाई बोलता हूँ। मैं कभी कॉस्मेटिक नहीं बेचता, मैं लोगों को बोलता हूँ कॉस्मेटिक लो, कोई सी भी लो जो आपको पसंद है, लेकिन प्रोसेस मेरा फॉलो करो। क्योंकि लोग कॉस्मेटिक बेचना जानते हैं, लेकिन वो शैम्पू करते कैसे हैं ये कोई नहीं सिखाता है। तो मैं लोगों को सिखाता हूँ कि शैम्पू करो कैसे करो, अगर मेरे तरीके से शैम्पू करोगे, कोई सा भी शैम्पू यूज करो ना, और अगर शैम्पू नहीं है साबुन यूज करो, रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन प्रोसेस मेरा फॉलो करो। तो मैं प्रोसेस देता हूँ लोगों को, इसी वजह से मेरा एक शो चलता है बाल भारत, बहुत अच्छा शो है, जिसमें मैं लोगों को, हाँ लाइव था, और मैं लोगों को बताता हूँ कि सच्ची में बाल क्या है, बाल पहचान है, बाल रोमांस है, बाल पर्सनैलिटी है, बाल शादी है। मतलब आप सोचो ना, जो शादियाँ होती हैं सबसे पहले लोग कहाँ जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, सबसे अच्छा दिखना चाहते हैं, जो दिखना है ना वो भी बाल ही है। जितने अच्छे कपड़े पहन लो, जितने डिजाइनर के कपड़े पहन लो, अगर बाल नहीं है ना सब बेकार है। तो क्राउन है, क्राउन है, क्राउन।
अच्छा, आपने बताया था स्टार्टिंग में कि आप बड़े डल थे जब लंदन जा रहे थे, तो अब आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं सर? ये आया लोगों से मिलने के बाद में, ये आया मीडिया के बात करने के बाद में, ये आया था जब मैं पढ़ाता हूँ ना, मैं खुद सीख रहा हूँ, तो जो स्टूडेंट है ना वो मेरे गुरु हैं, मैं वहाँ स्टूडेंट बन जाता हूँ, तो मैंने वो जो सीखा है ना वो सीख बोलना है मेरा। कोई आपका बेस्ट स्टूडेंट है सर जो आपको अभी भी याद है? सभी अच्छे स्टूडेंट, देखिए मैं तो अच्छा टीचर हूँ, अब उसमें से कौन सा स्टूडेंट कितना ले जाता है मुझसे, तो मैं तो उनको सबको अच्छा बन के पढ़ाता हूँ, अब वो कौन कितना अच्छा सीखने वाला है उस पर डिपेंड करता हूँ, मैं मानता हूँ कि सभी अच्छे स्टूडेंट थे ना। अब आप एक ब्रांड बन चुके हैं, जब लोग आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं तब कैसा लगता है सर आपको? अच्छा लगता है कि चलो इस नाई के प्रोफेशन को रिस्पेक्ट मिली है, नॉट जावेद अभी, इस नाई के प्रोफेशन को रिस्पेक्ट मिली, मतलब लोग नाई के साथ भी पिक्चर खिंचाना चाहते हैं। आप बता रहे थे, मैं आपके एक वीडियो देख रहा था कि बिल्लू बार्बर जब मूवी रिलीज हुई तो इरफान खान साहब आए थे, उन्होंने मेरे बाल काटे थे उनको बाल काटने मूवी में उनको बाल काटने आते थे, लेकिन उनको बाल काटने आते नहीं थे। सर आप इतना खुश कैसे रहते हैं? मैंने पहले बोला ना कि लाइफ एक है, एक नहीं है, एक दिन है, और एक दिन में भी 12 घंटे, अब 12 घंटे के साल रोते रहेंगे क्या यार, रोने के लिए आए क्या? बिल्कुल, अगर रोना है तो ऊपर चले जाएंगे ना, हंसो ना, यहाँ पर 8 घंटे कुछ दे के जाओ, अगर कैंची में मुझे भगवान ने दी है तो मैं मुझे लोगों को कैंची देने, कैंची के रूप दिखाने चाहिए, जरूरी नहीं कि बड़ा आदमी बनने के लिए पॉलिटिशियन बनो, जरूरी नहीं बड़ा आदमी बनने के लिए बॉलीवुड का शाहरुख खान बनो, बड़ा आदमी बनने के लिए जो आपके पास है ना उसमें पागल हो जाओ, जिसको मैं कहता हूँ उसमें रोमांस करना सीखो, और रोमांस का मतलब पता क्या, पूरी बॉडी बोलनी चाहिए कि रोमांस होता क्या है। सर सुना है कि आप अपने कपड़े खुद ही डिजाइन करते हैं, क्या ये बात सच है? देखिए मैं तो बहुत जैकेट मेरे बड़ी पसंद की यहाँ पे स्टार्स लगे हुए हैं। देखिए मैं मेरा जो पहला लेसन होता है मेरे स्टूडेंट को वही होता है कि अगर आपने किसी को खूबसूरत बनाना है पहले अपने आप को खूबसूरत बनाओ, पहले अपने आप को स्टार बनाओ, तो मेरे आपने देखा मेरे कपड़े बहुत ट्रेंडी होते हैं, बिकॉज मैं खुद अच्छा दिखना चाहता हूँ पहले, और जब मैं अच्छा दिखूंगा तो क्लाइंट को खुद ही अच्छा महसूस करा दूंगा कि यार तू भी अच्छा नजर आता है, तो मेरे कपड़ों में आपको सब जगह स्टार नजर आएंगे, सब जगह। मेरी क्लोथिंग बहुत सिंपल है, ब्लैक होता है हमेशा, लेकिन ब्लैक में बहुत डिजाइनिंग होती है। ब्लैक क्या रिप्रेजेंट करता है सर? ब्लैक को कभी नजर नहीं लगती जब आदमी ऊपर चढ़ता ना बहुत नजर लगती है, लेकिन ब्लैक को कभी नजर नहीं लगती है। तो सर अब और क्या बचा है अचीव करने को? लोग कहते हैं ना बर्गर मैकडोनल्ड, लोग ये बोले जावेद हबीब है कट, और मेरा पहला जो स्टेटमेंट था वो ये था कि जब मैं चाहता हूँ कि इंडिया का हर इंसान एक बार जावेद हबीब में बाल कटाए, और एक ही बार उसको चांस मिलेगा, बिकॉज इस कंट्री की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, तो एक बारी आएंगे तभी, तब तक मैं इतना बिजी रहने वाला हूँ, उसको दोबारा नहीं चाहिए मुझे क्लाइंट को। सर फिर 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? चांद पे जाना चाहता हूँ, सूरज पे जाना चाहता हूँ, वहां जाना चाहता हूँ जहाँ कोई आदमी पहुंच नहीं पाया है। इतनी बड़ी सोच होनी चाहिए, मतलब जिस जैसे बाल हो, चाहे ब्लैक बाल हो, चाहे ब्लॉन्ड बाल हो, चाहे चाइनीज बाल हो, कहाँ कटने चाहिए? भारत के जावेद हबीब में। क्या कह सकते हैं सर मेहनत आपको सब कुछ दे सकती है? मेहनत सब कुछ नहीं है, मेहनत के साथ में पागलपन चाहिए, और जिस दिन आपको दुनिया बोलना शुरू कर दे कि ये इंसान पागल है, दैट मींस यू आर सक्सेसफुल। अब समझ जाओ आप सफल हो रहे हो। यू आर सक्सेसफुल, जिस दिन आपको लोग गाली देनी शुरू कर दें, यू आर सक्सेसफुल, मतलब जो उड़ता हुआ सूरज है ना, और अंगूर खट्टे होते हैं, तो जिस दिन अंगूर खट्टे महसूस होने शुरू हो जाए लोगों के दिमाग में आपके बारे में, यू आर सच्ची में सक्सेसफुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपने व्यस्त जीवन में से हमें 2 मिनट देने के लिए, और अगर मैं कहना चाहूंगा कि अगर संघर्ष को बौना साबित करना है और जीवन में सफल होना है तो जावेद हबीब साहब बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू रिया, थैंक यू।